हेलो, जय मसीह की शालोम, प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स। आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही अच्छा सा छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ, और मैं चाहूँगी बहुत संक्षिप्त में मैं बाइबल की उन खास बातों को आप तक पहुँचाऊँ, खास तौर से हमारे युवाओं को, जो जवानों का हमारे पास रहता है कि हम संक्षिप्त में बताएँ, आसान तरीके से बताएँ, लेकिन बाइबल के उन फैक्ट्स को जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। और आज उन्हीं बातों को लेकर मैं आई हूँ। सिर्फ 9 पॉइंट्स, सिर्फ 9 बातें मैं लेकर आई हूँ जिन पर हम गौर करेंगे, जो परमेश्वर ने मेरे मन में अगुवाई डाली कि मैं आज वो बातें आपके साथ शेयर करूँ। और इस हाउस ऑफ प्रेयर मिनिस्ट्री के पेज से मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उन बातों को, परमेश्वर के वचन की सत्य बातों को। आज हम थोड़ा सा गौर करेंगे, खास तौर से उन सिर्फ 9 पॉइंट्स पे। बहुत लंबा ना लेते हुए मैं 9 पॉइंट्स में सिर्फ वो बातें बताना चाह रही हूँ जो बाइबल के फैक्ट्स हैं, और जिन्हें हमें न केवल बताना है, मानना है, बल्कि वो जितना हो सके हमें उसको शेयर करना है, बढ़ाना है आगे, कि हम उन बाइबल की 9 बातों को बार बार अपने हृदय की पटिया पर लिखें। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि इन बातों को अपने दिल की पटिया पर लिख ले तू। प्रेज द लॉर्ड, स्वागत है आप सबका। जितने लोग मेरे साथ जुड़े, प्रभु आशीष दे। और मैं चाहती हूँ कि मैं सारे कमेंट्स का जवाब बाद में दूंगी, क्योंकि मुझे कुछ लोगों का ये मैसेज मिला कि वो वचन पे जब ध्यान देना चाह रहे हैं, तो मैं वचन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करते हुए पूरी बात हम करेंगे, बहुत छोटे में करूँगी, सिर्फ 9 पॉइंट्स में। और उसके बाद सारे हम जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट या बातें या जितने भी मैसेज हैं, सबका हम एक एक पर जवाब देंगे, प्रार्थना करेंगे, और प्रभु आप सबको आशीष दे। तो बाइबल की जो 9 बातें हैं जिन्हें मैं कह रही हूँ कि हमें डिक्लेयर करते रहना है, बताते रहना है, उन्हीं बातों पर, 9 बातों पे जो मैं चर्चा कर रही हूँ, वो 9 बातें किस प्रकार से हैं वो हम शुरू करेंगे। सबसे पहली बात मैं बताऊँगी, जो मेरा खास मुद्दा है वो ये है कि आज बहुत सारे युवा लोग और हम लोग भ्रमित हो रहे हैं। भ्रमित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं जो हमें भविष्यवाणी की बातें बताते हैं, प्रोफेसी की बातें बताते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो वो प्रभु के वचन से मैच नहीं करती। प्रभु के वचन के अनुसार जब वो नहीं है, और हमारे जब युवा भ्रमित होने लगते हैं और हम सोचने लगते हैं कि कौन सी बात पर हमें यकीन किया जाए, उस विषय में मैं शुरू एक आयत से करूँगी जो है इतिहास, दूसरा इतिहास और उसका 18वां वचन है। इसमें हम यहाँ देखते हैं मीका नबी बात कर रहे थे, एक प्रॉफिट थे उस टाइम के ओल्ड टेस्टामेंट में जिनका नाम था मीका, और वो बात कर रहे थे और वो ये बात बोल रहे थे वहाँ कि जो मेरा परमेश्वर मुझसे कहेगा मैं सिर्फ वही बात बोलूँगा, जो प्रभु कहेगा मैं सिर्फ वही बोलूँगा। आज की तरह नहीं कि प्रभु का वचन कहता है कि अंत के दिनों बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, जो अपने कान की खुजली से हम चुन लेंगे अपने भविष्यवक्ता, जो हमारे मन के मुताबिक बात किया करें, हमें पसंद आने वाली बातें किया करें, अभी अपनी अभिलाषा के अनुसार हम चुन लेते हैं अपने अपने प्रॉफिट्स को और उनकी बातों के पीछे चलने लगते हैं। और आजकल के प्रॉफिट भी बहुत सारे, ये नहीं कह रही मैं सब, आज भी हैं भविष्यवक्ता जो प्रभु की ओर से उसकी अगुवाई से बात करते हैं, लेकिन मैं भ्रमित होने वाली बात कह रही हूँ, जो झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे मसीह के नाम से कि चुने हुओं को भी गुमराह कर दें, उनसे हमें कैसे सावधान रहना है। और इन आखिरी दिनों में सिर्फ उन 9 पॉइंट्स पर, उन 9 वचनों पर हम ध्यान करते हुए बहुत संक्षिप्त समय में मैसेज आपके पास लेकर आई हूँ, और वो ये है, सबसे पहली बात जो बाइबल हमें बताती है और जिसके विषय में हमें प्रोफेसी करने या बताने में किसी भी प्रकार डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मीका कह रहा है कि जो प्रभु कहता है मैं सिर्फ वही बात बताऊँगा, कोई मिलावट करके नहीं, अपने सुनने वालों को खुश करने के लिए प्लीजिंग प्लीजिंग अच्छी अच्छी बातें हम सिर्फ बोलने लगे, और कठोर बातें हम नहीं बोलें ये सुन के कि मुझे कोई सुनेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे थे ओल्ड टेस्टामेंट में मीका है, एलिया, एलिशा, यशाया, यर्मिया, बहुत सारे प्रोफेट्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए कठोर कठोर सत्य सत्य वही बातें कही जो प्रभु ने उससे कही, जो परमेश्वर ने उनसे कही, सिर्फ वही बातें कही, उनमें कोई भी मिलावट नहीं कही, जबकि उनकी जान को खतरा था। हम सब जानते हैं कैसे कैसे इनके वक्त थे कि वो ऐसी ऐसी बातें भी खुल के बोल रहे थे जो उस समय बोलना उनके लिए कितना कितना खतरनाक था, उनकी जान पर जोखिम था, फिर भी उन्होंने वो बातें बोली। इसीलिए मैं चाहूँगी ये जो 9 पॉइंट्स हैं, भले ही वो किसी को पसंद आए या नहीं आए,
भले ही आपको एक सुनने वाला है या एक भी नहीं है, आपके 1 करोड़ फॉलोवर हैं या एक भी नहीं है, आपके पेज पे हजारों लाइक्स हैं या एक भी नहीं है, परंतु प्रभु का वचन सत्य है, सत्य ही रहेगा और उसमें कोई हेर फेर कर नहीं सकता, उसमें बढ़ा नहीं सकता, उसमें घटा नहीं सकता। तो प्रभु का वचन हमें बोलता है परमेश्वर एक ही है, सिर्फ एक परमेश्वर है। और वो क्या है उसकी हम बात देखते हैं एक्सोडस में, निर्गमन में ये बात लिखी गई है, 20 अध्याय और 2री और 3री आयत में ये बात लिखी गई है, जो हमारे 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा है, सर्वप्रथम आज्ञा। 10 आज्ञाओं की सबसे पहली आज्ञा यही है कि परमेश्वर एक है, तो सिर्फ अपने परमेश्वर से प्रेम कर, किसी और के आगे दंडवत ना कर, किसी और को प्रभु बना के ना मानना, ये पहली ही बात बताई गई है। तो इसे बताने में हम बहुत सारे लोग डरते हैं, ये बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगा। बिल्कुल, हम सबका आदर करते, सबसे प्रेम करते, प्रभु का वचन कहता है सबसे हमें प्रेम करना, और यीशु मसीह का प्रेम पूरी मानव जाति के साथ था, सबके साथ था। वैसे ही मसीह के समान हमें भी सबसे प्रेम करना है, लेकिन सत्य बात बाइबल यही बताती है कि हम के माने एक ही परमेश्वर है, सिर्फ उसी के आगे हमें दंडवत करना है। और बहुत छोटा मैसेज लेके आई हूँ, सिर्फ 9 पॉइंट्स का। दूसरी बात है, नर्क सचमुच में वास्तविक है। आपने सुना अधिकतर मैसेज होते हैं स्वर्ग वास्तविक है, बिल्कुल है, स्वर्ग भी वास्तविक है, लेकिन नर्क के ऊपर कितने कम उपदेश आजकल हम सुनते हैं, कितने कम, जबकि ये बात बार बार बाइबिल हमें बताती है, बार बार हमें बता रहा है बाइबिल कि स्वर्ग भी है तो नरक भी है, अनंत जीवन है तो अनंत मृत्यु भी है, प्रभु की आशीषें हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर हम गलत चुनाव करते हैं तो उसका प्रतिफल एक बहुत बुरा भी हमारे सामने है, जिससे हमें सावधान हो जाना है। आज मैं देखती हूँ जो प्रचारक थोड़ी कड़ी बात बोल देते हैं, जो खरी बात बोलते हैं, उनको लोग पसंद नहीं करते, और वो पहले से इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ से बोलेंगे तो सिर्फ अच्छी बातें बोलना, प्रेम के उपदेश बोलना, अच्छी बोलना, बहुत अच्छी बात है, बहुत आनंद की बात है कि प्रभु ने सबसे प्रेम किया और उसका बाइबिल पूरा प्रेम से भरा हुआ है, यीशु मसीह का जीवन पूरा प्रेम से भरा हुआ है, प्रभु की योजना उद्धार की पूरी प्रेम से भरी हुई है, लेकिन नरक वास्तविक है, ये बाइबिल बार 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 बता रही है, और यीशु मसीह के खुद के शब्द हैं, जब वो लाजर की कहानी हमें बता रहे थे, धनवान की और लाजर की, ये कहानी है लूका में हम पढ़ सकते हैं, ये स्टोरी है कि किस प्रकार जो धनवान व्यक्ति था वो नरक में चला गया, और जो भिखारी था, जो लाचार था, जो निर्धन था, जो चूर चार खाता था, वो नरक में चला गया। वास्तविक की ये कहानी यीशु मसीह ने बताई है कि नरक ऐसा है। अगर आप मसीही हैं, अगर आप बाइबल को फॉलो करते हैं, अगर आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तो उसकी इस बात को कैसे हम निकाल के कट करके अलग रख सकते हैं। आज हमने बहुत सारे मसीही को देखा कि वह हम सेलेक्टिव बाइबल को मानते हैं, प्रेम करते हैं, सेलेक्टिव जो हमारे लिए है, अच्छी अच्छी बातें सब मानते हैं, यकीन करते हैं कि ये है, लेकिन जहाँ वचन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने लगा, जहाँ थोड़ा सा कड़ा होने लगा, वहाँ से हम बात और मुद्दा बदल देते हैं और सुनना नहीं चाहते उपदेश की बात, और यहाँ तक उपदेशक को भी कह देते हैं कि ये वाली बातें नहीं करना, सिर्फ प्लीजिंग अच्छी 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 बातें करना। तो अब जो हमने ये सीरीज शुरू करी है, जो हम बाइबल के सवाल और जवाब आपके सामने लेकर आए हैं, उसमें सब बाइबल के ट्रूथ्स, सब सत्य बातें लेकर आएंगे, भले ही किसी को पसंद आ रही हो या नहीं आ रही हो, भले ही कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, लेकिन वचन में सामर्थ्य वही है, जो तब थी, जो आज है, जो हमेशा रहेगी, वही वो सामर्थ्य वचन है। दूसरी बात है, दो मैंने बता दी, पहली है परमेश्वर एक ही है, यही हमने मानना है। दूसरी बात है, नरक भी सचमुच है, स्वर्ग तो है, नजात है, उद्धार है, उसकी सब जानते हैं, लेकिन नरक की भी पूरी बात यीशु मसीह बता रहा है, कैसा है, तड़प रहा था वहाँ, पानी नहीं था उसकी जीभ पे रखने को, जल रहा था, नरक भी वास्तविक है। तीसरी बात है, उद्धार का रास्ता सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है, और यीशु मसीह स्वयं ये बात कह रहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। उन शब्दों पे हम गौर करें, यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि वो मार्ग मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है वो मार्ग कहाँ है, वो कह रहा है वो मार्ग मैं ही हूँ, मैं स्वयं हूँ। इसके संबंध में मैं एक कहानी बताना चाहूँगी।
और बहुत गहरे गहरे अर्थ उसमें छिपे हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह जीवित है, जीवित परमेश्वर है। वो कह रहा है, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ। उसी बारे में एक कहानी ये थी कि एक बार एक पास्टर थे और वो यीशु मसीह को प्यार करते थे, उसके पीछे चलते थे, बताते थे सबको कि मसीह जीवित है, ऐसा है, ये सब है, अपनी बातें वो बताते थे। तो उनके जो मित्र थे उनकी मजाक उड़ाते थे, उन्हें बेवकूफ़ समझते थे। जो बाइबल हमें बता रही है कि क्रूस की कथा जो नहीं जानते उनके लिए मूर्खता की बात है, ये आत्मिक बातें भी, स्पिरिचुअल बातें भी उनके लिए मूर्खता की बात है। ऐसे ही उन पास्टर साहब की भी सब मजाक उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे, कहते थे ये क्या स्वर्ग की बात, नरक की बात बोलते हैं, ये क्या यीशु मसीह जीवित है ये बातें बोलते हैं। तो उन्होंने पूछा उस पास्टर से कि आप क्यों मसीह के पीछे चलते हो, क्यों आप उसके रास्ते पे चलते हो। तो उन पास्टर साहब ने एक बार अपने उस मित्र से कहानी की तरह बताते हुए बोला कि एक बार मैं अपने गांव की तरफ जा रहा था और रास्ते में आगे जाके डिवाइड हो रहे थे रास्ते, दो तरफ रोड चल रही थी, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मुझे किधर जाना है, किधर जाना है। तो मैंने सोचा उतर के मैं किसी से पूछ लेता हूँ। तो जब मैं उतरा तो वहाँ एक तो मुर्दा था, लाश पड़ी हुई थी, और एक उसके साथ व्यक्ति खड़ा हुआ था। तो मैं किससे पूछूं? मित्र ने कहा, ये भी कोई पूछने का सवाल है? मुर्दा तुम्हें क्या जवाब देगा, मरा हुआ व्यक्ति तुम्हें क्या जवाब देगा, जीवित से पूछो, वही तुम्हें रास्ता बताएगा। उस पास्टर ने कहा, वही तो मैं कर रहा हूँ, वही तो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एकमात्र यीशु मसीह ही है जो जीवित है, जो मर गया हमारे लिए और फिर जीवित हो उठा और आज तक जीवित है और जीवन देने वाला है, जीवन का जल है, जीवन की रोटी है। तो स्वयं जीवित परमेश्वर है, उसी के पीछे हम जब चलते हैं, उसी सत्य को जब हम जानते हैं, तो मार्ग किससे पूछना है? जो जीवित है वही हमें मार्ग बता सकता है। जो स्वयं जीवित है वही तो आपको जीवन देगा। जो स्वयं जीवित ही नहीं, उसमें हम कैसे जीवन की आशा कर सकते हैं? तो बहुत मायने छुपे हुए इस कहानी को। हमारे एक पास्टर हैं, वो बार बार इस बात को बताते, तो मेरे बहुत दिल को छुआ, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ मैं इस बात को। चौथी बात है, प्रभु के वचन के बिना हमारे जीवन अंधकार में है, रोशनी नहीं। क्योंकि वचन कहता है, जबूर कहता है, भजन संहिता में लिखा है कि तेरा वचन मेरे राह के लिए, मेरे कदमों के लिए चिराग है। वो वचन जो है वो चिराग का क्या मायने है? ये मायने नहीं है कि हम रास्ते में चल रहे हैं तो वो कोई दिया या मोमबत्ती है, लेकिन कितना गहरा मायने उसका ये है, जब हम अंधकार में हैं, कंफ्यूज्ड हैं, जब हम सोच नहीं पा रहे हैं, दिमाग में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात होनी है, उस समय वो रोशन करता है उस बात को, वो हमारे रास्ते को तैयार करता है, गाइड करता है हमें, पथ प्रदर्शन करता है हमें, कि हमें अगला कदम किस तरफ चलना है, कहाँ पर सड़क है, कहाँ पर खाई है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर हमें सावधान रहना है। वैसे ही ये वचन हमें बताता है आत्मिक रास्ते पे चलने में। मार्ग तो हम समझ गए कि प्रभु है, यीशु कह रहा है कि मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ, वो हम समझ गए। लेकिन उस मार्ग पे जब हमें चलते हैं तो हमें ये वचन है जो हमारे हर कदम पे रोशनी देता है कि हमें अपना अगला स्टेप कहाँ पर उठाना है, कहाँ पर चलते चले जाना है। चार बात मैंने आपको बताई, और जो युवा लोग बोलते हैं बहुत छोटा मैसेज दे दीजिएगा दीदी, उन्हीं के लिए मैं बहुत छोटा सा मैसेज लेकर आपके सामने आई हूँ। पांचवी बात है, और बहुत गहरी बात है, वो है यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। क्या आप और मैं तैयार हैं? तैयार हैं या नहीं है, लेकिन वो आने वाला है। ये बात एक फैक्ट बात है कि यीशु जल्दी आने वाला है। और जब हम ये बात बोलते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी मजाक बढ़ाते हैं, बहुत सारे, बहुत सारे। और वचन हमें बता रहा है, बार 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 बता रहा है कि क्रूस की कथा बाकी लोगों के लिए मूर्खता की बात है, बेवकूफ़ी की बात है। जैसे नूह के दिनों में हुआ, जब तक जल प्रलय नहीं आया, जब तक वो डूबने नहीं लगे, नूह को मूर्ख ही समझते रहे सब। बना रहा होगा कश्ती, जैसे परमेश्वर ने कहा जहाज बना रहा होगा, सब पशु पक्षी को उसमें रख रहा होगा, लेकिन लोग उसे मूर्ख समझ रहे होंगे, जब तक कि प्रलय नहीं आया था। जब प्रलय आ गया, सब लोग डूबने लगे, मरने लगे, और वो बच गया, उसने सबको बचा ले, तो वही मूर्ख जो था वो बुद्धिमान बन गया।
और बाकी कहने वाले जो थे उनका क्या हश्र हुआ होगा आप और मैं जान सकते हैं। तो ऐसे ही जिसने नहीं जाना उनके लिए मूर्खता की अगर बात है तो होती रहे, लेकिन परमेश्वर के वचन के जो फैक्ट हैं वो यही फैक्ट है कि यीशु मसीह का आना निश्चित है। बार बार बाइबल बता रही है कि परमेश्वर का पुत्र जल्द ही आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? अगर आप कह रहे मैं नहीं तैयार हूँ, तो क्या आपके लिए उसका सेकंड कमिंग पोस्टपोन तो नहीं होगा? प्रभु का जो टाइम है, जो समय है, निश्चित है, जो प्रभु के अनुसार है, जिसे कोई नहीं जानता, उसका आना निश्चित है। और मैं बताना चाहूँगी, ये हंसी की बात जो है वो उसका वर्णन पाया जाता है दूसरा पत्रस उसके तीसरे वचन में। दूसरा पत्रस उसके तीसरे वचन में पाया जाता है, इसमें इस प्रकार लिखा है कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं में चलेंगे, अपनी ही अभिलाषाओं में चलेंगे और हंसी ठट्टा करेंगे आपके। ऐसे लोग आएंगे, ये बाइबल पहले से ही बता रही है। तो जब ऐसा वक्त हमारे ऊपर आता है कि हमारी बातों पर, वचन की बातों पर, स्पिरिचुअल बातों पर हंसी उड़ाते हैं, तो उड़ाते रहें, क्योंकि हमें उस समय के लिए अपने कानों को बंद कर देना है। हमें बार बार, मैं पिछले भी मैसेज में ये बोली कि जब हमारे आत्मिक स्पिरिचुअल आँखें और कान खुलते हैं, तो हमें थोड़ी देर संसारिक कान को, आँखों को बंद कर देना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मत्ती 5 में कि जब हम निंदित होते हैं, हमारा कोई अपमान करता है, हंसी उड़ाता है, तो उसलिए हमें आनंदित होना है कि स्वर्ग में हमारे लिए प्रतिफल है, बड़ा प्रतिफल है, ऐसा प्रभु का वायदा है। तो उस समय जब लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, ठट्टों में उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कहाँ आने वाला है यीशु मसीह, कब आने वाला है, क्यों आने वाला है, उस समय हमें जवाब नहीं देना है, क्योंकि वो तो आना निश्चित ही है और हमारे बोलने से उसको हमने प्रूव करना है। लेकिन वो स्वयं परमेश्वर बार बार आपसे कहता है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। हमको चुप रहना है, क्योंकि हमारा जवाब देने वाला यीशु मसीह है जो जल्द आने वाला है। चाहे आप हंसी उड़ाएं, चाहे आप क्रोध करें, चाहे आप उस पर डिबेट्स करें, चाहे अपनी तर्क बुद्धि लगाएं, लेकिन आप मसीह का आना टाल नहीं सकते। 5 बातें मैंने बताई। 6 बात जो है, अब बहुत इम्पोर्टेंट बात है, खासतौर से युवाओं के लिए, युवाओं के लिए वो खास बात है, परमेश्वर अति पवित्र है, अत्यंत पवित्र है। और क्योंकि हम उसकी अगर प्रजा हैं, हम उसके अगर हम लोग हैं और हम उसके साथ जाने वाले हैं, तो हमें भी पवित्र बनना है। बहुत स्ट्रिक्ट बात। और लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तो आया, पाप धुल गए। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि यीशु मसीह आया पापियों के लिए, ताकि हमारे पाप धुल जाएं। लेकिन यीशु मसीह ने हर एक बार क्या कहा, जा और फिर पाप नहीं करना। मतलब कि हमें पाप को छोड़ना है, पाप से अलग हो जाना है, मसीह को स्वीकार कर लेना है, वो भी करना है। ये नहीं कि यीशु मसीह का प्रेम है, अनकंडीशनल है, तो हम उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगे कि हम तो करते रहेंगे और प्रभु तो हमें प्यार करता ही रहेगा। नहीं, प्रभु का प्यार अनकंडीशनल है, लेकिन उसका योजना और उसका चुनाव उसने खुला छोड़ा हुआ है आपके लिए और मेरे लिए। क्योंकि पवित्रता और अपवित्रता दोनों अलग अलग चीज़ें, एक जगह दोनों नहीं रह सकती। जहाँ परमेश्वर है, अति पवित्र परमेश्वर, जब हम उसके समीप आते हैं तो हमारे पापों को धो देता है, साफ कर देता है, पवित्र कर देता है, लेकिन उसने चुनाव रख के छोड़ा है आपके लिए और मेरे लिए। इसलिए इफिसियों में लिखा है उसके 4:24 में कि हम अपना पुराना मनुष्यत्व पूरा उतार दें, बदल दें और नए बन जाएं, परमेश्वर के मसीह के स्वभाव के अनुसार बन जाए, हमारी चाल ढाल में, बातचीत में, सब में मसीह को पहन लें। ऐसे लिखा है, मसीह को पहन लें, मसीह के जैसे बन जाए कि हमें देखें तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। अब बहुत मुश्किल बात है आज के ज़माने में, ये बहुत मुश्किल बात है कि हम ऐसे पवित्र बन जाएं जैसे यीशु मसीह। खासतौर से युवाओं के लिए जो बार बार ये लिखते रहते हैं और बताते रहते हैं कि हम पाप करना नहीं चाहते, लेकिन हमसे पाप हो जाते हैं, हम नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन हमसे हो जा रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि प्रार्थना में जाएं, प्रभु की उपस्थिति में जाएं, और हम जवाब नहीं देना हमें किसी को भी। हमें पवित्र बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि मैं बताऊँगी आपको, जब हम परमेश्वर का जिक्र पाते तो देखते हैं कि परमेश्वर अति पवित्र है, अपने सिंहासन पर है और उसके
चारों ओर स्वर्गदूत जो है वो क्या बोलते रहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, उसकी स्तुति करते हैं पवित्र पवित्र बोल बोल के, बोल बोल के। इतना पवित्र परमेश्वर। हमें पवित्र किस चीज से बनना है? अशुद्धता से अलग हो जाना है, पाप से अलग हो जाना है। अब इसका भी दो मायने लगाते हैं लोग। हम कहते हैं ना, प्रभु का वचन कहते हैं संसार में तो रहो पर संसार के सदृश ना बनो, उनके जैसे नहीं बन जाओ। इसका मायने ये नहीं है कि हम अलग हो जाएं, उनसे प्रेम नहीं करें और एक दूरी कायम कर लें कि एक गुटबाजी बना लें कि हम अलग और तुम अलग, ये नहीं है मतलब। मतलब है हम उससे प्रेम करें, उनको अपने तरह समझें, अपने समान प्रेम करें, अपने पड़ोसी को सब कुछ करें, मसीह के समान स्वभाव रखें, लेकिन पाप से अलग हो जाएं। उस वक्त ज़रूर गुट बना लें जब हम पाप में पड़ने लगें, बुरी संगति में पड़ने लगें, या वो अपने किसी और कार्य में जो प्रभु की तरफ से मना है हमें बाइबल में, उसमें अगर हम पढ़ने लगें तो वहाँ से हमें अलग होना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और अगर हम उसके हैं तो हमें भी पवित्र बनना है उसी की तरह। उस पवित्रता की बात पे कुछ पॉइंट्स अभी मैं बताना चाहूँगी जो बहुत कठोर वचन है और लोग डिस्कस नहीं करते अपने वचन में, और वो है जो आजकल के नए नए किस्म के पाप है। कुछ तो पाप थे पहले से, कुछ जो नए हैं जैसे गे मैरिज, लड़के लड़के की शादी और लड़की लड़की की शादी, या अपना चेंज करना, लड़का लड़की बन गया, लड़की लड़का बन गया, ऐसे ऐसे तरीके की, और लिव इन रिलेशनशिप जिस पे कानून भी बन गए, और आज युवा कहेगा ये कानूनन भी ठीक है, कौन सा मैंने बड़ा काम कर दिया, कौन से मैंने बड़ी गलती कर दी। लेकिन बाइबल हमें क्या बता रही है, बात पाप ही बता रही है, अपवित्र चीज़, पाप की चीज़, घृणित चीज़ जिसे प्रभु पसंद नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर ने जब बनाया आदम के लिए, हव्वा को बनाया, एक स्त्री को बनाया, स्त्री के लिए पुरुष को बनाया, आदम को बनाया, आदम के लिए दूसरा आदम नहीं बनाया, स्त्री के लिए हव्वा के लिए दूसरी हव्वा नहीं बनाई, दोनों को बनाया। पूरा वचन बता रहा है हर एक चीज़ को कि क्या 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 पाप है। भले ही संविधान आपको आज्ञा दे देता हो, भले ही कानून बन गया हो, और भले ही सुनने वाले इस वचन को कंडम करें और आपकी प्रीचिंग को पसंद नहीं करें, लेकिन ये जो मैं 9 पॉइंट बता रही हूँ, कोई पसंद करे या नहीं करे, ये बाइबल के सत्य हैं और सत्य ही रहेंगे, सदैव सत्य रहेंगे, और उनमें वही सामर्थ्य रहेगी और हमें उन्हें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रभु का वचन है। जो आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन परमेश्वर का वचन कभी टल नहीं सकता। इसलिए जब हम सत्य बोलने चलें, सत्य का आत्मा लेके चलें, तो हमें सत्य ही बोलते रहना है, भले ही कोई सुनने वाला हो या नहीं हो, चलने वाला हो या नहीं हो, क्योंकि यीशु मसीह तो सत्य ही बोलते रहे। उनके सब दुश्मन हो गए, जान के दुश्मन हो गए, चढ़ा दिया क्रूस पर, अपमानित करते, तो क्या यीशु मसीह झूठ बोलने लगे थे क्या? आखिरी वक्त तक वो सत्य बोलते रहे। शुरू में उनका दास जो था पतरस, वो कुछ समय डर गया, उसने थोड़े समय झूठ बोल दिया, 3 बार मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया, बहुतायत से आया, तो वही पतरस उसी झूठी जुबान को जिसने झूठ बोला था, वो प्रभु का काम में ऐसा चला, ऐसा काम किया उसकी वाणी ने, उसकी जुबान ने, कि हम देख रहे हैं आगे एक ही दिन में 3,000 लोगों पर आत्मा का अभिषेक उतरा बहुतायत से। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं पेंटिकुस्त के दिन आत्मा सब पर उतरा सिर्फ पतरस ने बोलने से, उसकी उसी जुबान से। तो ऐसे ही आज जब आप और हम अपनी सामर्थ्य में हैं, अपनी योग्यता में हैं, अपनी तरह से बोल रहे हैं, अपनी तरह से कर रहे हैं, उसमें सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ्य आप में काम करती है, सुपरनेचुरल पावर, अलौकिक बात जो मनुष्य की समझ से परे है, आपके लॉजिक, आपके तर्क, आपकी बुद्धि, आप कितने जीनियस है, कितना IQ लेवल है, सब एक तरफ रखा रह जाएगा उस समय, क्योंकि परमेश्वर की बात मनुष्य की बुद्धि से परे की बात है, समझ से परे की बात है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि ये सारी बातें जो हैं, जो आज के युवा भ्रमित हैं और जिनके लिए कोई बात ही नहीं है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातों को बोलते हैं ये तो सब चलता है, सब करते हैं, कानून भी बन चुके हैं, हम भी करते हैं, बाइबल कह रही है आपको कि ये कानून है, ये सही है कि नहीं है। इसलिए हमें अपने बच्चे को ताड़ना उसी तरफ की हमें देनी है। वचन क्या बार बार कह रहा है, अपने लड़के को ताड़ना सही रास्ते की हमें देनी है, क्योंकि छड़ी से वो नहीं मरेगा,
लेकिन तू छड़ी नहीं उठाए और वो हाथ से निकल जाए तो अवश्य मर जाएगा। सांसारिक मौत भी मर जाएगा और आत्मिक मौत भी मर जाएगा। इसलिए कड़ी शिक्षा है, कठोर वचन है, पसंद नहीं आने वाला वचन है, पर सत्य वचन है, सामर्थ्य है उसमें। तो मैं चाहती हूँ हम अपने युवाओं को, अपने बच्चों को, जब हम माँ बाप हैं या हम दोस्त हैं, हमें अपने बच्चों को बताते रहने ये 9 पॉइंट्स जो मैं आज लेके आई हूँ। कठोर वचन है, नहीं पसंद आने वाले, लोग क्या सुनना चाहते, सिर्फ आशीष की बात, सिर्फ अच्छी बात, सिर्फ अच्छी अच्छी बात कोट करके काट लेते हैं। प्रभु ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, और प्रभु ने ये भी कहा है, ये भी वचन है, ये भी बाइबल में है, कोई अपनी तरफ से बनाई हुई बातें नहीं है। तो पवित्र भी हमें बनना है। 8वीं बात है परमेश्वर का प्रेम और उद्धार की योजना। ये वो बात है कि जो बे इंतहा है और सब के लिए है। परमेश्वर का प्यार की कोई सीमा नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकती प्रभु के प्यार की। वचन क्या कहता है, माता तो छोड़ सकती है अपने दूध पीने वाले बच्चों को, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। जैसे माता संभालती है वैसे संभालने वाला परमेश्वर है, जैसे माता संभालती है। माँ तो दूध पीने वाले को छोड़ सकती, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। हाथ पकड़ के ले जाने वाला परमेश्वर, कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर, जो कहता है मैं तुम्हें दास और दासी नहीं कहता, पुत्र और पुत्री बना लेता हूँ, अपना उत्तराधिकारी बना लेता हूँ। कौन परमेश्वर ऐसा है बताओ मुझे आप? सब जगह ये ना, तू प्रभु हम तेरे दास, हम सेवा करते हैं, तू परमेश्वर हम तेरे दास। कौन कहता है ऐसा कि मैं तुझे अपना उत्तराधिकारी बनाता हूँ? आज के माता पिता भी नहीं कहते अपने बच्चों को। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आसमान और जमीन को बनाने वाला, जिसको सब सिंहासन में बैठ के कह रहे पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी टल जाए उसका वचन नहीं टलता, वो परमेश्वर आपको और मुझे जो अयोग्य पापी घृणित कमजोर बीमार लाचार कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी उसके पुत्र और पुत्री हैं, फिर भी उसके उत्तराधिकारी हैं। ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, पिता के समान अपना बच्चा बना लेता है, उत्तराधिकारी बना लेता है, और कह रहा है वो यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हें दास और दासी नहीं कहता हूँ, मित्र बना लेता हूँ, पुत्र और पुत्री बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने स्वर्गीय बात जो सुनी वो तुम्हें बता दी, स्वर्ग के राज्य की बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और एक दिन आऊँगा कि मैं तुम्हें लेके जाऊँ। तो क्या हम तैयार हैं आप और मैं? उस यीशु मसीह ने ये सारी योजनाएं बनाई, प्यार किया, पुत्र और पुत्री बना लिया, और हम भूले बैठे सब कुछ, मसीह के प्यार को भूल के बैठे हैं। कोट करके सब कुछ बातों को संक्षिप्त में मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी। 9वें पॉइंट पे जो मेरी आखिरी बात है वो ये है, हम उद्धार और हमेशा का जीवन कैसे पाएं। हम सब जानते हैं कि ये जीवन तो समाप्त होना है, चाहे वो 100 साल की उम्र में हो जाए, चाहे गर्भ में ही पेट में ही बच्चा मर जाए, चाहे जैसे हो जाए, मृत्यु सबकी निश्चित है। लेकिन उसके बाद अनंत जीवन की जो योजना है, ये मैं अपनी अगली मैसेज में पूरा इसी विषय में बताऊंगी, पूरी तरीके से इसी विषय में जो प्रभु ने हमें समझाया और वचन में है कि मृत्यु के बाद क्या है, कैसे, कौन कब जी उठेगा, प्रभु का आगमन क्या होगा, अंत के दिनों में क्या होगा, ये सारी बातें मैं आने वाली अगली बात में, अगली लाइव सेशन में बताऊंगी। आज मैं 9वें पॉइंट पे करते हुए ख़त्म करूंगी, वो है उद्धार और अनंत जीवन हम कैसे पाएं। उसके बारे में प्रभु बार बार हमें बता रहा है कि हम अगर सोचे मैं अपने कर्मों से, अपने कार्यों से खुश कर करके, ये करा मैंने, इतने उपवास रखे, प्रार्थना रखा, ये करा वो करा, प्रभु खुश कर दिया मैंने, और वचन क्या कह रहा है, तेरे ये भले सब काम तो मेरे सामने मैले चिथड़ों के समान है, मैले चिथड़ों के समान, जिन पे हम घमंड कर रहे हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। इस भी बात में दो डिफरेंस है, दोनों बातों को मैं स्पष्ट करूंगी। ये मतलब नहीं है कि हम भले काम नहीं करें और यीशु मसीह ने योजना पूरी कर दी, हमने कुछ करना ही नहीं है। प्रभु ने योजना पूरी कर ली, हमारे पापों को उठा लिया, क्योंकि वचन ये बताता है हमें कि दुनिया में सब पापी हैं, हर एक व्यक्ति पापी है। अगर ये कोई कहे कि मैंने कोई पापी नहीं किया तो वो झूठ बोलता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। यदि कोई कहे मैंने कोई पाप ही नहीं किया तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि हम सब स्वभाव से पापी हैं, कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे पाप हर किसी से हो जाते हैं।
तो वो पापों को प्रभु क्षमा करता है। और उसने जो योजना बनाई उद्धार की, अनंत जीवन की, स्वर्ग की, वो मैं बता रही हूँ, वो है। लेकिन चुनाव आपका ही है। और ये भी नहीं है कि उसका मतलब यह है कि वो सब कुछ काम कर चुका, हमने कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वचन हमें साथ में ये भी बोल रहा है कि बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है, अधूरा है। विश्वास तो आपने कर लिया, प्रभु के पीछे तो चल लिए, बपतिस्मा तो ले रखा है, लेकिन कर्म नज़र नहीं आ रहा। अगर एक लिमिटेड तक हम उतने बस खुश हो गए कि हमने कर लिया और हम बच गए, लेकिन प्रभु का जब प्यार है, उसका आत्मा, उसकी योजना, वो उतनी नहीं है, वो बहुत बड़ी है, असीमित है, हमारी सोच और विचार से परे की बात है। तो वो उद्धार की योजना जो प्रभु आपको देना चाहता है, जो वो बार बार वचन में कह रहा है, मुझसे मांग, मैं तुझे वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, उसको समझाता है। वो कहता है मैं तुझे उसकी स्वर्ग की कुंजी दे दूंगा, स्वर्गीय बातों को बताऊंगा, स्वर्गीय दर्शनों को बताऊंगा, और अंत के दिनों में तो बहुतायत से बताएगा। बार बार कह रहा है मैं बहुतायत से आत्मा का अभिषेक दूंगा। तो क्यों ना हम ये जो 9 बातें हैं जो मैंने सिर्फ आज युवाओं के लिए उनके सवालों के आधार पर की थी, और नेक्स्ट टाइम के सेशन हम उसी पर करेंगे, मृत्यु के बाद क्या है, प्रभु का आगमन और अंत के दिनों की बातें, और जो है मरे हुए भी जी उठेंगे, यीशु मसीह जो कह रहा है उसके आगमन पे वो बातें क्या है, उसके रहस्य क्या है, उन पर हम चर्चा करेंगे अपनी अगले लाइव सेशन में। लेकिन आज मैं इन्हीं 9 बातों के साथ मैं चाहती हूँ हम सब अपने दिल में इन बातों को बिठा लें और भूलें नहीं। भले ही हम चर्च जाते हैं, दशमांश देते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या ये 9 बातें हमें याद हैं? इन 9 की 9 बातों पर हम ध्यान दें। पहली है, जैसे कि भविष्यवक्ता वो थे हमारे मीका, यशाया, यर्मिया, एलिशा, जो अपनी जान पे बन गई मगर वो सत्य ही बोलते रहे। उन्होंने मैं कहा जो प्रभु कहेगा बोलूंगा, तो मैं वही, चाहे जो हो जाए। आज आप और हम अपने शब्दों में मिलावट कर लेते हैं, मित्र को खुश करने के लिए, प्रेमी प्रेमिका को खुश करने के लिए, पड़ोसी को खुश करने के लिए, इसको उसको खुश करने के लिए, वचन में मिलावट, वो नहीं करनी है। दूसरी बात, प्रभु एक है, नरक भी वास्तविक है जैसे स्वर्ग है, एक ही रास्ता है परमेश्वर की तरफ जाने का, उद्धार की तरफ जाने का, वो है यीशु मसीह। वचन के बिना हमें कोई गाइडेंस नहीं मिलता, हम अंधकार में चलने लगते हैं, और यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, हम तैयार हैं या नहीं। परमेश्वर अति पवित्र है, हमें पवित्र बनना है, अशुद्धता से हमें अलग हो जाना है, भले ही सारी दुनिया उसको सही बोलती रहे, कानून भी बन गए, वो पाप को भी सही बोलते रहे, आपके युवा दोस्त और आपके युवा मित्र कहें इसमें क्या हर्ज है, सब करते हैं, चलता है। मैंने देखा अपने बहुत सारे मित्रों को इस बात पे बोलते हुए कि लिव इन रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, इसमें कोई टेंशनबाजी नहीं होती है, और तुम कौन से जमाने की बातें कर रहे हो। और वचन हमें क्या बताता, ये वचन और प्रभु जो कल था वो आज है, वो हमेशा वही है, उसको कोई बदल नहीं सकता, कोई नहीं बदल सकता। तो हम अपने युवाओं को ये वचन उनके हृदय में बिठा दें कि हम पाप से अलग रहें, इन बातों से अलग रहें, और भले ही दुनिया हमारी हंसी उड़ाती है तो उड़ाते रहे, लेकिन मैं प्रभु के रास्ते से नहीं हटना है। आखिरी में मैं इन्हीं सब बातों को ख़त्म करते हुए 9 बातों पे, आखिरी बात है, हम उद्धार कैसे पाएं, अनंत जीवन कैसे पाएं, प्रभु के पास जब हम आए अपने पापों को मानते हुए और आगे से उनसे हटते हुए, प्रभु को अपनाते हुए, उसके पीछे चलते हुए। इन्हीं बातों पर आगे हम नेक्स्ट लाइव सेशन में चर्चा करेंगे, हमारे साथ बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।